चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। प्रतापगढ़ घंटाघर से 13.5 किलोमीटर दूर विश्वनाथगंज का बाजार, जहां से 2.5 किलोमीटर दूर कुशवाहा के जंगलों में स्थित है कर्म फलदाता सूर्यपुत्र शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर। आज शनिवार है, यानी भगवान शनिदेव का दिन। दूर दूर से अपने जीवन की समस्याओं से व्यथित लोग आज के दिन भगवान शनिदेव की आराधना करने यहाँ आते हैं। शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की कृष्ण अमावस्या के दिन हुआ था। सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा के शरीर से उत्पन्न छाया के 3 संतानों में से एक थे शनिदेव। छाया के निर्जल तप प्रभाव से शनिदेव का रंग काला पड़ गया, इसलिए सूर्यदेव ने छाया पर आरोप लगाते हुए यह कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता का भाव रखने लगे। उन्हें भगवान शंकर की घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप यह शक्ति प्राप्त हुई कि तीनों लोकों के प्राणियों के प्रत्येक कर्मों के फल एवं दंड का निर्धारण वह न्यायाधीश के रूप में करेंगे, भले ही वह मनुष्य ईश्वर का अवतार ही क्यों ना हो। कहते हैं कि सीता ने जब भगवान राम से सुनहरे मृग की खाल लाने के लिए कहा, तो उनके इस कार्य के परिणाम स्वरूप रावण ने उन्हें बंदी बना लिया। पिता के कर्मों का फल पुत्र को भी भोगना पड़ता है, इसलिए राजा दशरथ के कर्मों का फल राम को 14 वर्ष के वनवास स्वरूप भोगना पड़ा। यह भी शनि का ही प्रकोप था। रावण ने अपने दंभ में माता सीता को बंदी बनाकर जो पाप किया था, उसी के परिणाम स्वरूप सोने की लंका के ध्वंस के साथ साथ उसका भी अंत हुआ। शनि के प्रकोप से ही पांडवों को राजपाट छोड़कर जंगलों में वास करना पड़ा। अर्थात मनुष्य जो भी कार्य जिस मनोभाव के साथ करता है, भगवान शनि उसको उसके कर्मों का फल एवं दंड अवश्य देते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें इसी के लिए निर्मित किया था। इस भक्ति में वीडियो पर अपने विचार टिप्पणी के रूप में अवश्य अंकित करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए लोग प्रतापगढ़ हब चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के सदस्य बन जाएं। शीघ्र ही अगला वीडियो प्रकाशित होगा, प्रतीक्षा करें। ओम शनिश्चराय नमः।